नमस्कार, आज हम ऊर्जा के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे अंग्रेजी में सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ऊर्जा शब्द से तो आप परिचित ही हैं। अगर हम अपने दैनिक जीवन की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास हो रहे हर कार्य में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे चलते हुए वाहन, घरों और फैक्ट्रीज में उपयोग होने वाले विद्युत यंत्र, हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, घरों में हम खाना भी ऊर्जा की सहायता से पकाते हैं, और यहाँ तक कि जो हम अपने हाथों में घड़ी पहनते हैं वह भी ऊर्जा की सहायता से काम करती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये ऊर्जा हमें मिलती कहाँ से है? नहीं सोचा है तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस पाठ में हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कोयला, सूरज, पवन, समुद्र आदि। इसके साथ साथ हम यह भी समझेंगे कि हमें सही ऊर्जा के स्रोत का चुनाव कैसे करना चाहिए और इन्हें कैसे संरक्षित करना चाहिए। पर क्या आप ये जानते हैं कि जो हम अपने घरों में विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं वह उत्पन्न कैसे होती है? आपने विद्युत संयंत्र यानी कि पावर प्लांट्स के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट इत्यादि। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन इन्हीं पावर प्लांट्स में किया जाता है और एक प्लांट कई शहरों में विद्युत ऊर्जा का संचरण करने के योग्य होता है। पर अब सवाल यह उठता है कि इन विशाल पावर प्लांट्स के अंदर ऐसी क्या प्रक्रिया होती है जिससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है? पावर प्लांट में जनरेटर की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जनरेटर के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं। जनरेटर की शाफ्ट को घुमाने से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और टरबाइन के घूमने से जनरेटर की शाफ्ट घूमती है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे लिए मुख्य कार्य होता है टरबाइन को घुमाना। इस पाठ में हम सीखेंगे कि कैसे ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करके टरबाइन को घुमाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं।